त्रिपुरा चुनावों में लव जिहाद की पहले तो घुसपैठ हुई और दूसरा चरण आते आते इस पर घमासान जो है वो गर्मा गया। इस सियासत में शामिल तो असम के नेता हुआ, लेकिन उसका असर जो है वो गुजरात तक देखने को मिल सकता है कि गुजरात में चुनाव है और दोनों तरफ से कोशिश है कि इस मुद्दे को भुनाकर जनता से वोट मांग लिया जाए। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं श्रद्धा मर्डर केस का लव जिहाद से रिश्ता है। तो ये आफ्ताब श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूफ हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री को भी लव जिहाद का एंगल नजर आ रहा है। ये श्रद्धा की जो घटना घटी है भारत के अंदर, ये एक षड्यंत्र के रूप में देश के अंदर ये चल रहा है। और बीजेपी के सहयोगी संगठन VHP भी उसी लाइन पर आकर खड़ी हो गई है। अकेले दिल्ली के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर 9 लड़कियों की हत्या हो चुकी है लव जिहाद के कारण, और जब ये घटनाएं बढ़ रही हैं तो निश्चित तौर पर इनको रोकने का दायित्व सरकार और समाज दोनों का है। इस चुनावी सीजन में लव जिहाद पर जबरदस्त मोर्चाबंदी हो रही है। पहले बीजेपी नेताओं ने लव जिहाद पर चढ़ाई की, अब बदरुद्दीन जैसे नेता भी मैदान में उतर आए हैं। बदरुद्दीन ने जो कुछ कहा उस पर असम के बीजेपी नेता आग बबूला है। आज बदरुद्दीन अजमल साहब ने बड़ी बात बोला है, हिंदू लड़की 40 इयर्स तक शादी नहीं करता है और बहुत ही इलीगल काम में जुड़ा रहता है। मैं बदरुद्दीन अजमल साहब को स्पष्ट रूप से बोलता हूं, आप एक मुस्लिम आदमी हैं और हम लोग हिंदू हैं, मैं हम लोग आपसे सीखना पड़ेगा। जहां मेरे भगवान राम जी का जन्म हुआ था, जहां मैं मां सीता का यहां जन्म हुआ था, ये राम और सीता का देश है, ये बांग्लादेश में बांग्लादेशी आदमियों को यहां कोई स्थान नहीं है। हम मुस्लिम से कभी भी ये शिक्षा नहीं लेना है। देश की राजनीति में लव जिहाद पर बयानबाजी नई नहीं है, और जब चुनावी माहौल गर्म हो रहा हो तो भट्टी में लव जिहाद का ईंधन सब डालने में लगे हैं। आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।